अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम हसन भट्ट है, मैं यहाँ जिरमस का रहने वाला हूँ सर। तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट एक काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आज जो इसमें वलोर में जो काम हुआ है, वो सबसे पहले हम थैंकफुल है इरफान साहब का, जो इसका कार्डिनेटर है इरफान रसूल साहब, उसका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उसने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उसने यहाँ पे एक गजीबो बनाया है, घाट नंबर 2 इसको बोलता है, जहाँ पर अभी हम हैं इसको घाट नंबर 2 बोलता है। तो इस इधर एक इन्होंने एक गजीबो बनाया है। अभी बहुत ही यहाँ के जो विजिटर आए हैं, टूरिस्ट आए हैं, मतलब लोकल भी आए हैं, नॉन लोकल भी आए, तो बहुत अच्छा लगा है। हमको भी बहुत अच्छा लगा है, जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग, इनको भी एक रोज़गार मतलब मिला है, चाहे किश्ती के ज़रिए इनको रोज़गार मिला है, चाहे कुछ लोगों ने इधर ठेले लगाया है, उनको भी एक रोज़गार मिला है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक कदम है, ताकि ये जो इधर का जो लोग हैं, उनका एक जो बेरोज़गारी है, वो मुझे लगता है ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट साथ साथ करना चाहता हूँ, यहाँ का जो रोड का फैसिलिटी है वो नहीं है, क्योंकि हमको वहाँ से घाट नंबर 1 से जब हम आता है, जो जनगेर के लोग आता है या सोपोर के लोग या श्रीनगर के लोग आता है, वो वहीं से आता है घाट नंबर 1 से, जिसको मतलब घाट बोलता है, उसको हमने नाम रखा है घाट नंबर 1। उनको वहाँ से यहाँ तक किश्ती पे आना पड़ता है, उनको हमने पर हेड को 100 रुपये हमने उनको बताया है। जो यहाँ घाट नंबर 2 पे यहाँ से वहाँ तक जाता है, उसको 10 रुपया लगता है, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस कम है। तो आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, और कुछ नया नया कुछ जो भी कुछ हो, जिससे अट्रैक्ट हो जाएंगे टूरिस्ट या इधर का जो लोकल टूरिस्ट या पर्यटक बाहर से भी जो आता है, और मतलब उनको अच्छा लगे, कुछ अच्छा इनिशिएटिव उठाना चाहिए, और कुछ इधर बनना चाहिए, चाहे गजीबो के अभी इन्होंने गजीबो बनाया, ये भी अच्छा है, और कुछ बनना चाहिए, यहाँ कैफेटेरिया बनना चाहिए, ताकि उनको खाने पीने का फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो वकमा का हम जो यहाँ के लोग और हम भी वकमा का बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने एक मतलब अच्छा सेटअप उठाया वलोर झील की तरफ, पहली तवज्जो नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है पिछले 2 सालों में इसमें काम भी अच्छा शदमद से जारी है, अभी अच्छा चल रहा है इसका काम। मुझे उम्मीद है हम इंशाल्लाह उनके एक उम्मीद से एक उम्मीद रख रहा है उनके ऊपर हम, मुझे लगता है वो और अच्छा करेंगे इधर, ताकि यहाँ के लोगों को एक रोज़गार भी मिल जाएंगे, और यहाँ की जो डेवलपमेंट उसका भी एक अच्छा एक रौनक आ जाएंगे वलोर का।